पुतिन बोले यूक्रेन को सबक सिखा कर रहेंगे ज़ेलेंस्की का पलटवार, बचाव नहीं अब हम भी करेंगे हमला। यूक्रेन में छिड़ी लड़ाई का अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन को सबक सिखाए बगैर हमले नहीं रुकेंगे। यूक्रेन को हथियार मुक्त करने से कम में युद्ध नहीं रुकेगा, यूक्रेन को तटस्थ भूमिका में आना होगा। भागलपुर में देर रात भीषण धमाका, कई मकानों के परखच्चे उड़े, 7 की मौत, 12 जख्मी। बिहार के भागलपुर जिले में 3 मार्च 2022 यानी कि गुरुवार की देर रात भयंकर विस्फोट हुआ। आपको बता दें, जोरदार धमाका होने के कारण पूरे शहर में उनकी गूंज सुनाई दी। घटना के कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार, अब तक मिली जानकारी के अनुसार, दर्जन लोग जख्मी हैं, साथ ही साथ 7 लोगों के मारे जाने की भी सूचना है। जिस इलाके में ये हादसा हुआ वहाँ की बिजली भी काट दी गई है। देश में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट, 24 घंटे में आए 6,300 से ज्यादा मामले, 201 लोगों की मौत। देश में आज कोरोना के नए मामलों में मामूली गिरावट देखने को मिली। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं कल यानी गुरुवार को कोरोना के 6,500 से ज्यादा नए केस थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटे में मृतकों की संख्या में इजाफा देखा गया। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कोरोना से 201 मरीजों की मौत हुई, जबकि गुरुवार को कोरोना के कारण 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। मुंबई, दिल्ली व हिंडन एयरबेस पर विमानों की लैंडिंग, आज आएंगी 18 उड़ानें। यूक्रेन से वापसी का सिलसिला जारी। ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत शुक्रवार सुबह इंडिगो का एक विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से दिल्ली के हवाई अड्डे पहुंचा, जहां केंद्रीय कृषि और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने स्वागत किया। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी ले रही और खुद इसको देख रही हैं। जब तक सारे छात्र यूक्रेन से वापस नहीं आ जाते, तब तक गंगा ऑपरेशन जारी रहेगा। 2 ट्रेनों की फुल स्पीड से आज टक्कर करवाएगा रेलवे, एक में सवार होंगे खुद रेल मंत्री। सिकंदराबाद में शुक्रवार को फुल स्पीड से 2 ट्रेनों की टक्कर करवाई जाएगी। इनमें से एक ट्रेन में खुद रेलवे मंत्री शामिल होंगे तो दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समेत अन्य बड़े अधिकारी शामिल होंगे। इसके जरिए रेलवे देसी तकनीक कवच का परीक्षण करेगा। कवच देश की ऐसी तकनीक है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इसे लागू किए जाने के बाद से ट्रेनों की टक्कर नहीं होगी। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।